वेलकम टू कॉपी नोट्स चैनल। दोस्तों, आज अपन कॉपी नोट्स चैनल पर अपना जो टॉपिक लेके आए हैं वो है त्यौहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और त्यौहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है उसके सामने आपका जो हाईलाइट कर रखा है ब्लैक कलर में, वो आप समझ आए कि इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है, ठीक है, हाईलाइट किए हुए, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है। तो अपन ने गोगा नवमी की बात आई तो अपन पता है कि सावण के माह में तो होगी नहीं, भाद्रपद के माह में ही गोगा नवमी आती है। तो ये पहला ऑप्शन और चौथा पहला और तीसरा ऑप्शन तो वैसे भी अपना जो गलत है। तो अब बात करते हैं कि भाई कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि कृष्ण पक्ष में गोगा नवमी आती है या शुक्ल पक्ष में आती है। ये कन्फ्यूजन के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो अपने को याद रखना है गोगा नवमी है जो कृष्ण पक्ष में ही आएगी। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। तेजाजी का मेला है जो परबतसर नागौर में आप सबको पता है आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है तीसरा वो है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है हमारा, जैसे ऑप्शन है इसमें महावीर जी या भरतपुर या ब्यावर या बाड़मेर। तो यहाँ पर अपना पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है जो स्थान है बाड़मेर है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, जैसे राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगला है कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र चैत्र माह शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो यह है आपके ऑप्शन सामने, जैसे नाथद्वारा है, कोटा है, बूंदी है या जोधपुर है। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर आपके यहाँ पर नाथद्वारा में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरिया नाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है। केसरिया नाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो इसमें ऑप्शन है धुलेव, सिवाड, डिग्गी या करौली। तो आपका यहाँ पर केसरिया नाथ का मेला धुलेव स्थान पर आयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो यह है आपके कि निम्नलिखित इस कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। कुछ कोड दे रखे हैं, 1, 2, 3। पहले की बात करते हैं, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, सही है। अगला है गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, सही। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो आगे देख रहे हैं त्यौहारों से संबंधित उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसमें अपने जो तीनों कथन पढ़े वो सही है, इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अपने पास फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन है वल्लभ पंत द्वारा या परनामी पंत द्वारा या रामसनई पंत द्वारा या सतनामी पंत द्वारा। फूल डोल उत्सव, फूल डोल उत्सव की बात करें तो फूल डोल उत्सव ये अपने रामसनई पंत द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तेजाजी मेला का आयोजन किया जाता है। तेजाजी मेला का आयोजन किया जाता है, रिपीट क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो तेजाजी का मेला, इसमें देखो एक नागौर ऑप्शन दे दिया और एक परबतसर भी दे दिया, डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया। तो इस अपना जो मूल रूप से स्थान दे रखा है तो अपना यही आंसर होगा परबतसर वाला, ठीक है, जो नागौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। तो चैत्र मास में है, तो चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है, तो किस तिथि को, तो अपना हो जाएगा चैत्र शुक्ल पक्ष की, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को, ठीक है, गणगौर पूजन उत्सव की तिथि या गणगौर पूजन उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है। तो
आगे जो माह दे रखे हैं वो है माघ, श्रावण, फाल्गुन या भाद्रपद। अपने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा उसमें आप सबको पता है कि गोगा नवमी जो भाद्रपद माह में जो मेला आयोजित होता है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, भाद्रपद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है। ढूंढ यानी छोटे बच्चों की ढूंढ की जाती है, तो वो है अपना नाग पंचमी है या बसंत पंचमी है या दीपावली है या होली है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यू कैन गेस। तो आपको वैसे अनुमान लगे होगा ये अपने होली पर ढूंढ बांटा जाता है, ढूंढ की जाती है छोटे बच्चों की। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें ऑप्शन है जोधपुर, नाथद्वारा, बूंदी या उदयपुर। आप बता सकते हो क्योंकि आपने अभी जो पहले क्वेश्चन ये रीड कर चुके हैं। तो अपना ये है नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है घोटी अंबा का मेला। अच्छा क्वेश्चन है, घोटी अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है बांसवाड़ा, करौली, डूंगरपुर या प्रतापगढ़। तो घोटी अंबा का मेला है जो बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है। तो तेजा दशमी, गोगा नवमी जो भी है अपने किस माह में मनाई जाती है, तो ये है अपने भाद्रपद माह में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेजा दशमी से रिलेटेड, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो बात करते हैं, जैसे राजस्थान में निमन में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है। जो श्रावण मास में नहीं आता है वो त्यौहार कौन सा है। नाग पंचमी आता है, तीज आता है, रक्षाबंधन भी आता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो है अपना जन्माष्टमी, जो है श्रावण मास में नहीं आता है। जन्माष्टमी तो किस माह में आता है, आप अनुमान लगाओ ये जन्माष्टमी है जो किस माह में आता है। तो जैसे नागपंचमी, तीज और रक्षाबंधन यदि श्रावण मास में आते हैं, तो जन्माष्टमी भाद्रपद माह में आते हैं, भाद्रपद माह में। ठीक है, और यदि इस प्रकार की आपको क्लास अच्छी लग रही है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए कुछ यूजफुल हो रहे हैं, यानी त्यौहार पर अपने क्वेश्चन थे, और इसी प्रकार अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में अलग अलग टॉपिक पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। बात करें तो जैसे जो LDC सामने हाईलाइट कर रखे हैं कुछ क्वेश्चन, राजस्थान जेल प्रहरी और राजस्थान जेल प्रहरी से, राजस्थान पुलिस से और कृषि अधिकारी सहायक, इस प्रकार से अलग अलग सामने हाईलाइट भी कर रखे हैं। और अपन ने बहुत सी क्लास है कॉपी नोट्स चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपना कॉपी नोट्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अलग अलग रीजनिंग के अलग से टॉपिक है, साइंस के अलग से टॉपिक है और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अलग से टॉपिक है, इसी प्रकार अलग अलग टॉपिक वाई और इंडियन हिस्ट्री से अलग टॉपिक है, तो प्लेलिस्ट बना रखी है और वहाँ से आप आसानी से अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ कॉपी नोट चैनल में आज इतना ही, और अपन जल्दी ही जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे अलग अलग क्लास पर। और तब तक के लिए खम्मा घणी, राम राम, टेक केयर।